माथे पर शेष तीन अंगुली आंखों पर कान अंगूठे से बंद मुख भी बंद ओंकार का नाद नासिका से करते हुए आज यहाँ चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में उस ओंकार ब्रह्म परमात्मा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरुष की महिमा को अपने तन मन प्राणों आत्मा में बसाते हुए उद्गी भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्रमशः लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा आंखें बंद मन सहज लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उच्चारण करते हैं।
जाते हैं, साक्षी होकर के, दृष्टा होकर के, पूरी नीरवता, कंप्लीट साइलेंस, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, थोड़ी देर शांत होकर के श्वासों के साथ ओम कर, नासिकाग्र पर आज्ञा चक्र में ललना सहस्रार विशुद्धि हृदय या मणिपुर चक्र में मन को एक स्थान विशेष पर टिकाना, इसको धारणा कहते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रय में एकत्र संयम तत्स्यात् प्रज्ञालोकः। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, तस्य वाचकः प्रणवः तजपस्तदर्थ भाव ओमिति काक्षरम ब्रह्म ओम तत्सत्। एक ओंकार सतना ओम सर्वम खलविदं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम क्रतो स्मर ओम क्लवि स्मर ओम कृतम स्मर ओम प्रतिष्ठा। ओंकार में हम प्रतिष्ठित हो जाए, ओंकार अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत प्रसन्नता, अनंत सुख शांति आनंद, अनंत सामर्थ्य ऐश्वर्य, अनंत गुणकर्म स्वभाव, अनंत दिव्यता युक्त, सृष्टि के कर्ता नियंता आश्रयदाता, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परम दयालु परम कृपालु अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान खुदा अल्लाह वाहेगुरु अकाल पुरुष परमात्मा। श्वासों के साथ ओम का ध्यान किया तो योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, मैंने कहा सामान्य शक्तियां तो सब मिलती हैं, योग से अलौकिक शक्तियां, दिव्य शक्तियां, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ऐश्वर्य वैभव, विद्या विभूति सिद्धि सहज रूप से हमें प्राप्त। ओंकार के साथ जुड़ के नाम या मंत्र में गायत्री मंत्र, नाम और मंत्र का आश्रय लेकर के हम भगवान से जुड़ करके भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य संवेदना, दिव्य सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। यही है भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाना, ऐसे कम से कम 5 मिनट मौन होकर के भगवान का ध्यान करना। जो संसार में हमें थोड़ा भी कोई कुछ दे देता है तो उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भगवान ने तो ये जीवन से लेकर के, खुशियों से भरे घर परिवार से लेकर के सब कुछ दिया है भगवान ने, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, ये है